इस 100 माइल्स के बाद हम अभी मेडिटेशन शुरू करेंगे। सॉन्ग के बाद आंखें बंद कर ले सब लोग आराम से। पूरे शरीर को रिलैक्स करें, रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। आपके गर्दन को रिलैक्स करें। फॉर रिलैक्सिंग योर नेक व्हाइल इनहेलिंग कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द नेक, व्हाइल एक्सहेलिंग कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द साइड्स ऑफ योर नोज। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखनी है, नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग। उसी प्रकार अपने सर को रिलैक्स करें, अपने चेहरे को और आंखों को रिलैक्स करें। सांसें आरामदायी रखें। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए पूरे समय बंद आंखों से अपने कॉलर बोन्स की तरफ या हृदय की तरफ देखते रहें। अगेन ब्रेथ्स बिल्कुल आरामदायी रखें, नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग। अब इसके बारे में आप सतर्क हो जाए कि हर ब्रेथ के साथ चैतन्य या फिर प्राण आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और हर सांस के साथ ये प्राण चैतन्य आपका आपके शरीर को त्याग रहा है। जो भी मन में विचार आ रहे हैं सबको ओके कहे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सुख के हो चाहे दुख के हो, सबको ओके कहे और केवल इसके बारे में अवेयर रहे कि हर ब्रेथ के साथ प्राण या चैतन्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, हर एक्सहेलेशन के साथ ये सोल या चैतन्य आपके शरीर का त्याग कर रहा है। धीरे धीरे मन को अपने क्राउन पर, अपने तालू पर केंद्रित करें। वहां पर मैंने हाथ रखा है आपके तालू पर। मेरे हाथ से गोल्डन लाइट, सुनहरी लहरें आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। यही चैतन्य है जो कि आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है आपके तालू से। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें, बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहे पूरे समय और एनर्जी के या चैतन्य के इस प्रवाह के बारे में अवेयर रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे। धीरे धीरे मन को दो भुवाओं के बीच केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड बिटवीन योर आईब्रोज।
फील द गोल्डन लाइट एंटरिंग योर बॉडी थ्रू दिस पॉइंट. इस पॉइंट से सुनहरी लहरें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसके बारे में जागरूक हो जाए. आंखें बंद है आपकी, बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहे. सांसें आरामदायी रखें. हर इंस्ट्रक्शन जैसे चल रही है उसको फॉलो करें. दैट इज ऑल. सभी विचारों को ओके कहें जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं. और चैतन्य के प्रवाह के बारे में अवेयर रहे. चैतन्य का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह आपके आंखों में हो रहा है, चेहरे में और कानों में हो रहा है. धीरे धीरे सुनहरी लहरों का प्रवाह आपके गले में हो रहा है, उसके बारे में अवेयर हो जाए. मन को केंद्रित करें अपने नेक के स्पाइन पर, ऑन द स्पाइन ऑफ योर नेक. वहां से सुनहरी लहरें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसके बारे में सतर्क हो जाए. आंखें बंद है, बंद आंखों से अपने कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहे. सांसें आरामदायी रखें. चैतन्य के प्रवाह के बारे में सतर्कता बनाए रखें. धीरे धीरे मन को केंद्रित करें अपने अपर बैक के स्पाइन पर, जो कि आपके हृदय के पीछे है. वहां से सुनहरी लहरें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसके बारे में सतर्क हो जाएं. बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखें. सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें. नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग. चैतन्य का जो प्रवाह हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहें. धीरे धीरे मन को केंद्रित करें अपने पाम्स पर, हाथों के तलवों पर. वहां सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही है, उसके बारे में सतर्क हो जाएं. आपके पाम्स में, हाथों के फिंगर्स में चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, एनर्जी प्रवाहित हो रही है. धीरे धीरे मन को केंद्रित करें अपने पैरों के तलवों पर, अपने सोल्स पर. ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड. आपके सोल्स में सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही है, उसके बारे में सतर्क हो जाएं.
बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहे, सांसें आरामदायी रखें थ्रू आउट, और चैतन्य का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह जो आपके सोल्स में हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहें। चैतन्य का प्रवाह आपके पाम्स में हो रहा है उसके बारे में सतर्क हो जाएं। चैतन्य का प्रवाह आपके तालू में हो रहा है उसके बारे में सतर्क हो जाएं। धीरे धीरे अपने मन को हृदय पर केंद्रित करें, ओवर योर हार्ट। और इसके बारे में अवेयर हो जाए, यह एहसास जागृत हो कि चैतन्य मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है मेरे तालू से, लेकिन इसका जो निवास है, इसका जो रेसिडेंस है, ये मेरे हृदय में है, मेरे हार्ट में है। इट रिसाइड्स इन माय हार्ट। अब धीरे धीरे मन को आपके दो भुवाओं के बीच, बिटवीन योर आईब्रोज, केंद्रित करें। अब जो जो कलाएं, जो भी कला आपको प्राप्त हुई है उसके बारे में सोचे, चाहे वो कन्वेंशनल हो, अनकन्वेंशनल हो, जो भी काम करना आप एंजॉय करते हो उसके बारे में सोचे। मन में घोषित करें, ये कला मुझे ब्रह्मांड की कृपा से प्राप्त हुई है, ये एहसास मुझे है, ये जागृति मुझ में है, और इस कला से मुझे ध्यान की तरफ जाना है, ये भी मुझे ब्रह्मांड की कृपा से मैं जान चुकी हूँ, जान गई हूँ। पांच या छह आरामदायी सांसें लें, रिलैक्स ब्रेथ्स। अब कुछ कल या परसों की घटनाएं याद करें, या फिर उसके पीछे की, जहां जहां आपने किसी व्यक्तियों के गलतियों को पॉइंट आउट किया था, या फिर किसी के ओपिनियंस का अनादर किया था, चाहे मन में ही क्यों ना हो, मतलब रिस्पेक्ट नहीं था आपके मन में उनके ओपिनियंस के प्रति, याद करें। मन में सतर्कता से कहे, इस सतर्कता से कि मुझे विष्णु, मुझे ब्रह्मा को जानना है, मन में कहे। इन व्यक्तियों के दोषों का मैं स्वीकार करती हूँ ब्रह्मांड की कृपा से, उनके ऊपर मुझे कोई शंका नहीं है, मैं सभी का रिस्पेक्ट कर रही हूँ। और जो डिसरिस्पेक्ट मैंने दिखाया है, जो पॉइंट आउट किया है, उसके लिए उनको मैं दिल से सॉरी कहती हूँ, दिल से क्षमा मांगती हूँ। चाहे ये आपने मन में ही किया हो, ये बोले आप।
पांच या छह आरामदायी सांसें। अगेन कल के परसों के कुछ पिछले दिनों के प्रसंग याद करें या फिर आज के कोई घटनाएं याद करें जहां पर जब आप अस्थिर थे, जब आप डिस्टर्ब थे, तभी आपने किसी निर्जीव चीज को मारा था या फिर उसको तकलीफ दी थी, उसको डिस्टर्ब किया था। चाहे लैपटॉप को मारा हो, किसी मशीन को मारा हो, कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है करके। मन में सतर्कता से कहे, मैं जानती हूं कि इसका एहसास मुझे है कि निर्जीव सृष्टि में चैतन्य है और ये सृष्टि स्थिर रहे, यही प्रयत्न मैं कर रही हूं, यही मेरा हमेशा प्रयत्न है। पांच या छह आरामदायी सांसें। मन में 500 मीटर रास्ता चलना है, इस सतर्कता से कहे, ब्रह्मा विष्णु और महेश को जानने के लिए मैं ध्यान के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चल रही हूं और इसलिए ब्रह्मांड की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, ये मैं जानती हूं। पांच या छह आरामदायी सांसें। अभी अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें अपने सीने के पास। बंद आंखों से मिडिल फिंगर्स के टिप्स को देखें। और इन इन टिप्स को देखते हुए आराम से धीरे धीरे आंखें खोलें। धन्यवाद।